हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज फेडरलिज्म, संघवाद। बेसिकली फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म के अंदर किसकी क्या जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है, या फेडरलिज्म का व्यवस्था का जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। What is federalism? संघवाद क्या है? Federalism is a principle of government has evolved differently in different situation. तो federalism क्या होता है, उसका मतलब हर संघीय व्यवस्था में, मतलब हर देश की व्यवस्था में अलग अलग है। अमेरिका के संदर्भ में अगर आप federalism का मतलब समझोगे तो कुछ और है, इंडिया के संदर्भ में federalism quasi federal रूप में है। Essentially federalism is an institutional mechanism to accommodate sets of politicized वन एट रीजनल लेवल एंड द अदर एट नेशनल लेवल। तो फेडरलिज्म एक तरह की व्यवस्था है जिसके अंदर दो तरह की क्या होती है, सरकार समझ लो, एक रीजनल लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। जैसे आप इंडिया के अंदर देखो दो तरह की सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। फेडरलिज्म का ये पहला फीचर है कि उसके अंदर दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। इंडिया के अंदर भी ऐसे ही है और हमारे यहाँ तो थर्ड टायर सिस्टम भी है, पंचायती राज सिस्टम। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा मिला था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायतें है 11वीं अनुसूची में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है 12वीं अनुसूची में, और 2 अक्टूबर 1959 पहली पंचायत नागौर राजस्थान। ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनोमियस इन इट्स ओन स्फीयर। अब राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी पावर्स है, केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी पावर्स है। इन सम फेडरल कंट्रीज देयर इज इवन अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। अमेरिका के अंदर देख लो आप, वहां पूर्ण रूप से फेडरलिज्म है, वहां पे क्या होता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आप देश के नागरिकता मिलेगी एक, एक मिलेगी राज्य की नागरिकता। पर अगर आप इंडिया की बात करोगे, यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के अंदर नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो ये फीचर भी हमें पूर्ण रूप से फेडरल नहीं बनाता, क्योंकि फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में दो ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, पर इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। द पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयल्टीज। तो दो जिम्मेदारियां हैं, दो मतलब लोगों की क्या है, आप कह सकते हैं कि लोग दो रूप में ईमानदार हो रहे हैं लोगों को, एक तो राज्य के प्रति और एक देश के प्रति। इवन आप देख लो, आप जिस भी राज्य में रहते हो तो आप एक तो उस राज्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व है और एक इस देश के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा लॉयल्टी किसके प्रति होगा, एक तो दिल्ली के प्रति होगा और दूसरा किसके प्रति होगा, मेरा इंडिया के प्रति होगा। तो दिस इज दे बिलोंग टू द रीजन एज वेल एज द नेशन। फॉर एग्जाम्पल वी आर, मान लो हम कहें कि हम गुजरात में हैं या झारखंड में हैं, और हम अपने आप को क्या कहते हैं, इंडियंस भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गुजरात में रहता तो मैं कहता कि मैं गुजराती हूं और साथ साथ में मैं भारतीय भी हूं। तो ये चीज, ईच लेवल ऑफ द पॉलिटी हैज डिस्टिंक्ट पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। राज्य सरकार की अपनी पावर अपनी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की अपनी पावर्स अपनी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार आप जानते हो, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूं, ओरिजिनली उस टाइम 66 काम थे जो राज्य सरकार को करने होते थे, अब कितने हैं, 61। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, अब 100 वर्क ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को करने होते हैं यूनियन लिस्ट में जो है। 36 से आर्टिकल 51 के अंदर डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड के संविधान से लिया हमने अपने संविधान में। एंड हैज अ सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और अलग गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हमारे यहाँ अलग तरीके से चुनी जाती है और राज्य की अलग तरीके से। द डिटेल ऑफ दिस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली स्पेंट आउट इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे चुनी जाएगी, क्या व्यवस्था होगी, जनरली ये चीजें संविधान के अंदर मेंशन होती है, हमारे यहाँ भी है। विच इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम, और देश के अंदर सबसे सुप्रीम कौन है, संविधान है। हालांकि न्यायपालिका भी है, पर न्यायपालिका भी किसके बेस पे काम करती है, संविधान के बेस पे। विच इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम एंड विच इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ पावर ऑफ बोथ
बोथ सेट ऑफ गवर्नमेंट, और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या पावर हैं, कौन बताता है? संविधान। केंद्र सरकार की क्या पावर्स, क्या जिम्मेदारियां, कौन बताता है? संविधान। और दोनों को बाउंड या चेक एंड बैलेंस वाला कंसेप्ट भी संविधान के अंदर ही मेंशन है। सर्टेन सब्जेक्ट्स विच कंसर्न द नेशन एज अ होल, कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है, जैसे या केंद्र लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में मेंशन है। डिफेंस, करेंसी आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को हमारे यहाँ परमिशन नहीं है नोट छापने की, अगर इवन सिर्फ 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, बाकी सब तो आप जानते हो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छापने के अधिकार है हमारे यहाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बना कब था, 1935, नेशनलाइज हुआ 1949, और पहले इस वक्त गवर्नर कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। रीजनल और 1 रुपए के नोट पे साइन करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, आई थिंक टीवी सोमनाथन है इस वक्त, वो आप देख लेना एक बार। रीजनल और लोकल मैटर्स आर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट, तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेवल पे कोई चीज है या पंचायत लेवल पे कोई चीज है, उसे कौन सोल्व आउट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और अगर दो राज्यों के बीच के कोई मसले हैं या दो राज्यों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ व्यवस्था अप्रोच करने की, पर वो अधीन किसके आ जाएगा, ये वाला कार्य दो राज्यों वाला, ये संसद के या केंद्र सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। टू प्रिवेंट कंफ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मतभेद ना हो, दोनों सुचारू रूप से काम करते रहे, इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से ली गई है, याद रखना। द जुडिशियरी हैज द पावर टू रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स अबाउट द डिविजन ऑफ पावर, तो न्यायपालिका को हमारे यहाँ इतनी पावर है कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के मतभेदों को सुलझा सके, जो पावर्स के ऊपर अक्सर होते हैं या टैक्सेशन की पॉलिसी के ऊपर इस तरह से जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं राज्य के और केंद्र सरकार के, तो उन्हें सुलझाने की पावर हमारे यहाँ किस को है, न्यायपालिका को। फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन, हमारे यहाँ फेडरेशन वर्ड का जिक्र संविधान के अंदर नहीं है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और 12 शेड्यूल है टोटल, संविधान बना था जब 8 थे, इस वक्त 12 शेड्यूल है, 8वें शेड्यूल में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा है, तो ये आप समझ में आ गया, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है भारत और उसकी टेरिटरी के बारे में। डिविजन ऑफ पावर, देयर आर टू सेट ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द एंटायर नेशन दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो प्रांत के लिए है या राज्य के लिए है उसको हम राज्य सरकार कहते हैं, तो एक तो पूरे देश के लिए सरकार है हमारे यहाँ जो इस वक्त किसकी है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की, और राज्य सरकार है जो हर राज्य के अंदर अलग अलग है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे किसकी है, योगी जी की है। बोथ ऑफ दीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ एक्टिविटी, देखिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और कार्य करने का एरिया अलग है, मैंने आपको बता दिया स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट वाला कंसेप्ट, राज्य सरकार की जिम्मेदारी और उसके कार्य क्या है अलग है। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट विच पावर कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन एंड विच पावर कम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, दिस कैन बी रिजोल्व बाय द जुडिशियरी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो अगर कभी इस बात पे कोई मतभेद होता है कि राज्य सरकार के पावर है या ये केंद्र सरकार की पावर है या कोई भी डिस्प्यूट है राज्य और केंद्र का, तो उसको कौन सोल्व आउट करता है, हमारे यहाँ न्यायपालिका, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डेमोक्रेट्स सब्जेक्ट्स विच आर अंडर द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द यूनियन एंड दोज अंडर द स्टेट, और संविधान के अंदर ये बताया गया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको, मतलब जैसे अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं 61 काम है 61, तो वो पहले संविधान के अंदर मेंशन है जिसपे कौन काम करेगा, राज्य सरकार, और 100 काम यूनियन लिस्ट में है, 52 काम कॉन्करेंट में है जिसपे दोनों मिलके काम करेंगे, तो वो संविधान के अंदर मेंशन है पहले से, ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो राज्य और केंद्र के बीच में।
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ पावर इज दैट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर. पैसा भी मैटर करता है, कोई भी योजना लागू करनी है पैसा ही. आर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. राज्य को फंड्स कहाँ से मिलते हैं? केंद्र सरकार से. राज्य के अपने भी कमाई के सोर्स होते हैं रिवेन्यू के, पर वो अधिकतर किस पे डिपेंड होते हैं? केंद्र सरकार पे. अब यहाँ पे जरा सा मैं आपको अगर एक ब्रॉड सेंस में समझाऊं, मान लो केंद्र में सरकार है अलग और केंद्र में सरकार है वाई पार्टी की और राज्य में सरकार है एक्स पार्टी की. अब आप एक बात बताओ, डेवलपमेंट करना है वो तो जरूरी है, क्या समन्वय बैठ पाएगा केंद्र और राज्य के बीच में? जनरली नहीं. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक पॉलिटिकल इशू भी बीच में आता है, चीज होती है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है. तो वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. यहाँ पे वो पॉइंट आपकी बुक में मैंशनड है, द स्टेट हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वेरी मर्ज रिवेन्यू सोर्सेज. तो राज्य के ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा होती है, पर कमाई के साधन क्या होते हैं? राज्य के बहुत कम होते हैं, इसीलिए उनको किस पे निर्भर रहना पड़ता है? केंद्र सरकार के ऊपर. अब अगर केंद्र और राज्य में दोनों में सेम गवर्नमेंट है फिर तो मौज है, और अगर अपोजिशन की गवर्नमेंट है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है. हालांकि वो तो काम संवैधानिक प्रोविजंस के हिसाब से ही होने हैं, पर कई बार डिले हो जाता है. यूनियन लिस्ट की मैं बात करूं, ये मैं आपको बता दिया कि 100 काम होते हैं, जब संविधान बना था उस टाइम 97 काम थे, वर्क थे. स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, ओरिजिनली 66 थे, अब 61 है. कॉन्करेंट पे जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी, जब संविधान बना था उस टाइम 47 ऐसे काम थे, पर अब कितने हैं? 52. एक रेजिडरी लिस्ट भी होती है जिसपे भारत की संसद काम करती है, जो इन तीनों लिस्ट में कार्य मेंशन नहीं है. मेनली कहने का मतलब है सेंटर गवर्नमेंट करती है. बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट. दोनों मिलके, क्योंकि दोनों के ही अधीन है, दोनों को मिलके काम करना है कॉन्करेंट लिस्ट पे. पर अगर कन्फ्लिक्ट है तो किसकी चलेगी? जाहिर सी बात है सेंट्रल लॉ की चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिवेल होंगे, सेंट्रल लॉ प्रिवेल होंगे, लागू होंगे. द रेजिडरी सब्जेक्ट एग्जाम्पल विच आर नॉट मैंशनड इन एनी पार्ट ऑफ द थ्री लिस्ट अबव, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट, दैट आर टू बी डिस्कस्ड और टू बी डन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. फेडरलिज्म विद अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट. एवरी टाइम इट इज एक्सेप्टेड दैट और सेड दैट द आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन मोर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट. जनरली इट इज सेड. ओके, हर बार यही कहा जाता है. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशंस विद इमेंस डाइवर्सिटीज एंड सोशल प्रॉब्लम्स. एज यू नो दैट वी आर द डाइवर्स कंट्री. हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है, बहुत. इवन 8वें शेड्यूल की बात करूं, 22 भाषाओं को तो राजभाषा का दर्जा है. स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास करना पड़ा था 1953 में, और 1956 में फिर आंध्रा बना था, आप जानते हो. तो और 1400 से ज्यादा प्लस भाषाएं बोली जाती हैं, क्लास 9 की एनसीईआरटी में मेंशन है. तो इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी डाइवर्सिटीज, इतने सारे रिलीजियन, तो सबका ध्यान रखना है. तो इसलिए पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और वो कहाँ हो सकता है? फेडरल व्यवस्था में. क्योंकि डिक्टेटर व्यवस्था डाइवर्सिफाइड कंट्री के लिए ठीक नहीं है, और कई बार तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी ठीक नहीं होता फेडरल व्यवस्था के लिए. अगर मैं आपको सही बताऊं, वो डाइवर्स व्यवस्था के लिए, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको सत्ता से उतार दिया गया है. अब फेडरल व्यवस्था है, फिर भी चैलेंजेस हैं, याद रखना. द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्ड दैट वी रिक्वायर्ड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड अकोमोडेट डाइवर्सिटीज. तो संविधान निर्माताओं को, संविधान सभा को, संविधान सभा की थोड़ी सी डिटेल बता दूं, 6 दिसंबर 1946 को बनी थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई. सच्चिदानंद सिन्हा नॉन परमानेंट मेंबर थे, चेयरमैन थे, और परमानेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी. 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान बनने में, और 389 मेंबर थे जब संविधान सभा बनी थी, और पार्टीशन के बाद 299 रह गए थे, याद रखना. तो संविधान सभा का ये था. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, आप जानते हो. Beside the concern for unity, the makers of the constitution also believed that the social economic problem of the country needed to be handled by a strong central government in a cooperation with the state. तो जो संविधान निर्माता थे उनके माइंड में ये बात थी कि भाई कल को ये जो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है ना, ये लोग आपस में ही लड़ लें,
इसीलिए संविधान ऐसा बनाना है कि इन सब की जरूरतें भी पूरी हों और पावर्स राज्य सरकार के कंपैरिजन में केंद्र सरकार पे ज्यादा हो, ताकि मसले सोल्व आउट किए जा सके। अब आप देखो, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता दे दी ताकि धर्म पे कोई दिक्कत ना आए। 29 to 30 माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर दिया। 14 से 18 इक्वालिटी की बात कर दी। 19 में फ्रीडम दे दिया। 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दे दी। 23 में वुमेन ट्रैफिकिंग बैन कर दी। या आप 24 में अगर मैं बात करूं, वो 14 साल से कम पे काम नहीं करवा सकते। 21 के ए में राइट टू एजुकेशन। 31-32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 18 में प्रोवेशन ऑफ टाइटल, उसमें एक्सेप्शन है, अगर एजुकेशन के फील्ड में मिल रही है दैट कैन बी यूज्ड। तो इतने सारी प्रोविजंस इसीलिए डाले गए हैं ताकि जो डाइवर्सिफाइड पीपल है वो आपस में मतभेद ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो। पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, ये तो इंडिया के अंदर बहुत बड़े स्केल पे आप जानते हो। वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। हालांकि हम इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ को भारत सरकार कोशिश कर रही है। दस द कंसर्न फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट प्रोमोटेड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही सब चीजें हैं जो संविधान निर्माताओं को प्रेरित कर रही थी कि एक मजबूत केंद्र बनाया जाए जो पूरे राज्य को, इस अखंड भारत को होल्ड कर सके। क्योंकि देखो, हर राज्य का डाइवर्सिफिकेशन है, हर राज्य के अंदर कल्चर, भाषा सब कुछ अलग है, तो सबको एक साथ होल्ड करके रखना कोई आसान बात तो है नहीं। तो इसीलिए केंद्र को मजबूत बनाया गया, उसको ज्यादा पावर्स दी गई। द इम्पोर्टेंट प्रोविजन दैट क्रिएटेड अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो कौन सी चीजें हैं जो केंद्र सरकार को मजबूत बनाती हैं, चर्चा करें अगर हम। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। अब ये मैं आपको बताऊं, अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य को दो हिस्सों में विभाजित करना है, या किसी राज्य की टेरिटरी को कम ज्यादा करना है, तो वो करने का अधिकार किसको है? हमारी पार्लियामेंट को है। रेजिडरी पावर की बात कर रहा है। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्म अ नियर स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय इट यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। तो अगर किसी राज्यों को दो हिस्सों में बांटना है या किसी दो राज्यों को एक बनाना है, वो सब करने का अधिकार भारत की संसद को है। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1953 याद रखना। 56 में आंध्रा निकला मद्रास प्रांत से, फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इस तरह से डिविजन हुआ। और बहुत सारे, अगर आप देख लो, 2007 तक आते आते तक विभाजन होता रहा राज्यों का। रिसेंटली आंध्रा में से भी तेलंगाना निकला। तो वो सब करने का अधिकार किसको है? भारत की संसद को है। इट कैन ऑल्सो अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट और इवन इट्स नेम। सो इफ द पार्लियामेंट वॉन्ट्स टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, पार्लियामेंट कैन डू दैट, दे हैव द अथॉरिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सम सेफ गार्ड बाय वेज ऑफ सिक्योरिंग द व्यू ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो, संविधान निर्माताओं को एक बात यहां ये भी पता था कि अगर मान लो केंद्र में सरकार अलग है और राज्य में अलग है, केंद्र सरकार तो फिर ऐसे राज्य को अपने हिसाब से वो कर लेगी, बांट देगी या तोड़ देगी दो हिस्सों में। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि भाई, अगर राज्य को दो हिस्सों में बांटना है या राज्य का नाम बदलना है, कुछ भी, उस राज्य की विधानसभा से भी परमिशन लेनी है। ये देखो कितना बढ़िया चीज है। अब यहां पे भी एक इशू मैं अगर आपको बताऊं ना, क्या है इसको भी इसका भी एक तोड़ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो केंद्र सरकार है, आप जानते हो हर राज्य के अंदर एक गवर्नर चुना जाता है, वो राष्ट्रपति जी के द्वारा। गवर्नर एडवाइस करते हैं कि भाई, राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर रही है, सही से काम नहीं कर रही, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली राष्ट्रपति जी के हाथ में आ जाएंगे उस राज्य की, और फिर तो जो चाहे आप जानते ही। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजन। अगली बात यही बोल दी लो इसने, आर्टिकल 356 की बात कर रहा है, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल लगा दो, गवर्नर एडवाइस कर देंगे राष्ट्रपति को कि भाई, इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दो, राज्य की विधानसभा किसी काम की नहीं रहेगी, फिर सारी पावर राष्ट्रपति जी के पास आ जाएंगी। और राष्ट्रपति जी आप जानते हो हमारे यहाँ कैसे इलेक्ट होते हैं, विच कैन टर्न अवर फेडरल पॉलिटी इन टू अ हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वंस एमरजेंसी पावर बिकम लॉ फुल्ली सेंट्रलाइज्ड। पार्लियामेंट हैज्यूम द पावर टू मेक लॉज। सारी पावर राष्ट्रपति जी के हाथ में है या पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है उस राज्य। और अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, आर्टिकल 352, फिर तो बात ही अलग है।
जैसे इंदिरा जी ने लगाई थी, आपको याद हो 1976 में, द यूनियन गवर्नमेंट यूज इट्स डिस्क्रिएशन टू गिव ग्रांट्स एंड लोन टू स्टेट। कई बार क्या होता है, अगर अपोजिशन पार्टी है राज्य के अंदर तो यूनियन गवर्नमेंट एक खेल सा खेल देती है, फंड्स नहीं जारी करती या और चीजें, जैसे आप देखते हो दिल्ली का केस केंद्र सरकार के वर्सेस, या फिर पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो वो फंड्स मांग रहे हैं पर डिले हो रहा है, वो सब चीजें कई बार हो जाता है ऐसा, अपोजिशन पार्टी करती है एक दूसरी अपोजिशन पार्टी को फंड्स ग्रांट्स करने में। पर याद रखना चीजें संवैधानिक प्रोविजंस के हिसाब से ही होंगी अंत में आकर। द यूनियन गवर्नमेंट, ये हो गया, द गवर्नर हैज सर्टेन पावर टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर के पास पावर है भाई, रिकमेंड कर सकता है राष्ट्रपति जी को कि भाई इस राज्य की सरकार को भंग कर दो, एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली को भंग कर दो। वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के हिसाब से निकल लिया, आर्टिकल 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इवन इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, आप मेरे को ये बताना कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा? जम्मू कश्मीर नहीं है आंसर, चलो मैं इतना भी आपको बता दूं, वो कमेंट बॉक्स में बताना। इवन इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस द गवर्नर हैज द पावर टू रिजर्व द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब राज्य सरकार ने कोई बिल पास किया, गवर्नर का अपॉइंटमेंट याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो हर राज्य का गवर्नर ऐसे है ना, या कोई राज्य के गवर्नर ऐसे करते हैं, नहीं, मैं किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं उस चांस के बारे में बात कर रहा हूं जो हो सकता है, ये है या नहीं है वो मेरा कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ये हो जाए, ठीक है? तो आप चीजों को एज अ ब्रॉड सेंस में ही इनटेक कीजिएगा, क्योंकि हम उस संदर्भ में समझ रहे हैं ताकि सिविल सर्विसेज की जो चीजें हैं वो भी हमारे यहाँ सोच में कवर अप हों। तो अब राज्य विधानसभा कह रही है कि भाई ये बिल पास हो जाए, गवर्नर ने होल्ड कर लिया वीटो पावर, आप जानते हो कोविड वीटो जैसी चीजें पावर दी गई हैं, फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर कह देंगे कि भाई राष्ट्रपति जी के एसेंट की जरूरत है इसमें, जैसे अगर मैं आपको बताऊं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में किसी कम्युनिटी को ऐड करना है, विड्रॉ करना है, वो राष्ट्रपति जी के पास पावर है, तो उस बिल को होल्ड किया जा सकता है। दिस गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर राज्य में अपोजिशन पार्टी है तो उसको डिले करवाएगी, जान के सच बिल्स वीटो देम कम्प्लीटली, या फिर उसे विड्रॉ ही करवा देगी, या फिर उस पर पॉकेट वीटो हो जाएगा, कोई जवाब ही नहीं दिया जाएगा, जैसे पोस्ट ऑफिस बिल 1980s का था, आज तक पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति जी की। देयर मे बी ओकेजन वेन द सिचुएशन मे डिमांड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू लेजिस्लेट ऑन मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, दिस इज पॉसिबल इफ द मूव इज रेक्टिफाइड बाय द राज्यसभा। तो अगर राज्यसभा कुछ मान लो स्टेट लिस्ट है ऐसा जिसपे कोई काम करना है, तो केंद्र सरकार उस पर काम कर सकती है, पर कब, अगर वो किसके द्वारा कहा गया हो, राज्यसभा के द्वारा मूव किया गया हो, ठीक है ना, लोकसभा में। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर और सुपीरियर टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। संविधान के अंदर क्लियरली मेंशन है कि भाई केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर है। फर्दर मोर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे चूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू इंस्ट्रक्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 33-34, ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शल लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर। तो 34 और 35 के अंदर क्या है, यूनियन और स्टेट के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है, किसी ऑफिसर को प्रोटेक्ट किया गया, मतलब उसके फंडामेंटल राइट ना एक्सप्लोइट है, उसकी ड्यूटीज अगर मिलिट्री शासन लगा हुआ है देश में। द प्रोविजन फर्दर स्ट्रेंथन द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा ताकत दी गई है इसमें। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ आर्टिकल 352, 356, 360 में इमरजेंसी का प्रावधान है, जर्मनी के संविधान से ली गई है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 3 बार लगी आज तक देश में। 356 में हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल 120 या 130 बार से ज्यादा लग चुका है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आज तक एक भी बार नहीं लगी देश के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज कम कर दी जाती है, वो सब चीजें।
द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। अब इसमें आर्म्ड फोर्सेज को थोड़ी सी पावर दी गई है कुछ राज्यों के अंदर, जहां पे क्या है टेंशन्स हैं, रीजनल डिस्प्यूट्स ज्यादा हैं या टेंशन्स हैं केंद्र और राज्य के बीच में, तो आर्म्ड फोर्सेज को वहां पे स्पेशल पावर्स हैं। नॉर्थ मेनली नॉर्थ ईस्ट के राज्य कवर अप किए गए हैं इसमें। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, सरकार या कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंपटीशन में कि सरकार या कमीशन का संबंध किससे है, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों से सुधारने के लिए बनाया गया था। आगे आएगा, अभी मैंने लिखा है मेरे को याद आ रहा है। इन द 1950s एंड अर्ली 1960s द फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म वाज लेड अंडर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ये रखा गए थे ये नींव फेडरलिज्म की। इट वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द सेंटर एज वेल एज द स्टेट, और राज्यों में या केंद्र में कौन मजबूत थी, कांग्रेस। एक्सेप्ट ऑन द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट रिमेन्ड क्वाइट नॉर्मल ड्यूरिंग दिस पीरियड। नए राज्य को बनाने के संदर्भ को छोड़ दें अगर हम, बाकी सब मुद्दों पे राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे ही संबंध थे। इन द मिडिल ऑफ द 1960s कांग्रेस डोमिनेंस डिक्लाइन समवट इन द लार्ज नंबर ऑफ स्टेट अपोजिशन पार्टीज कम टू पावर। तो 1960s में कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म होने लगा और रीजनल पार्टीज उभर के सामने आने लगी राज्यों के अंदर। इट रिजल्टेड इन द डिमांड फॉर ग्रेटर पावर एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द स्टेट। इन फैक्ट दीज डिमांड्स वर अ डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द फैक्ट दैट डिफरेंट पार्टीज वर रूलिंग एट सेंटर इन मैनी स्टेट्स। तो क्या है मतलब कि भाई अब रीजनल पार्टी है, लोकल लोगों ने चुन ली और सरकार बना दी, वो तो ज्यादा पावर मांगेगी केंद्र से कि भाई हमें पावर दो, हमें काम करना है। अब केंद्र सरकार के पास ये वो पॉलिटिकल चीज भी आ जाती है सामने कि भाई इन्हें ज्यादा पावर कैसे दे, अपोजिशन पार्टी है, हालांकि वो तो संवैधानिक प्रोविजन से मिलनी है चीज, पर डिले तो हो ही जाती है ना कई बार। डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, अपने एरिया में अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। Sometimes these demand expect that the division of power should be changed in favor of the state and more powers and important powers be assigned to the state. तो कई बार ये कहा जाता है कि भाई राज्य सरकार को ज्यादा पावर देनी चाहिए केंद्र के कंपैरिजन में और राज्य को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए। और देखिए मेरे हिसाब से बात सही भी है, क्योंकि सबसे पहले हम किसके क्लोज हैं, अपने स्टेट के ही तो गिने जाएंगे, बाद में केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां बनेंगी हमारे प्रति, हालांकि हम तो इस देश के नागरिक हैं, पर पहला हमारे लिए काम कौन करता है, राज्य करती है, बाद में ही तो केंद्र सरकार की कोई पॉलिसी हम तक आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई राज्य सरकार को ज्यादा पावर दी जानी चाहिए। अब फिर वही बात है, वहां वो गलत ना यूज कर ले पावर का, इसीलिए केंद्र को मजबूत रखा गया ताकि भाई सब पे नजर रख सके जा सके। तो इसको आप ऐसे समझ लो एक परिवार की तरह, मान लो एक परिवार है और तीन बच्चे हैं और एक उसमें फादर मदर है, फादर मदर के पास बहुत सारी पावर्स हैं उन तीनों बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, पर ये डिमांड की जा रही है कि उन तीनों बच्चों को पावर्स बांटी जाए और ज्यादा दी जाए, तो क्या चांसेस हैं कि वो तीनों आपस में ना लड़ लें या तीनों गलत ना यूज कर ले पावर्स का। पर वहां पे चांसेस ये भी है कि क्या पता वो सही से यूज करके अच्छे से विकास कर ले, दोनों पॉसिबिलिटीज है। Another demand is that states should have independent source of revenue and greater control over the resources. This is also known as financial autonomy. और ये भी कहा जाता है कि भाई राज्य को financial autonomy दी जाए, राज्य के आय के स्रोत बढ़ाए जाए। काफी हद तक ठीक भी है बात, क्यों, क्योंकि राज्य के पास क्या होता है कई बार धन की कमी हो जाती है और चैलेंजेस उसके सामने बहुत सारे हैं। अगर हम अपने ही राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य की, यहाँ इतना बड़ा राज्य है, 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, तो संसाधन राज्य के पास ज्यादा होने चाहिए। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमी डिमांड्स रिलेट टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट रिजेंट द कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई स्टेट का कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे, गवर्नर का अपॉइंटमेंट या ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट आप जानते हो। फोर्थली ऑटोनॉमी डिमांड्स में आल्सो भी रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इशू जो हो जाते हैं, हालांकि इसको सोल्व आउट करने के लिए 29-30 आर्टिकल है संविधान के अंदर। द अपोजिशन टू द डोमिनेशन ऑफ हिंदी, कई बार कुछ राज्य के लोग कहते हैं कि भाई हिंदी हम पे जबरदस्ती थोपी जा रही है, हम नहीं पढ़ना चाहते, हम लोकल रीजनल लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, जैसे इन तमिलनाडु। Some states also feel that there is a domination of Hindi-speaking areas over others. ये भी कहा जाता है। In fact, during the decades of 1960s, agitations हुए और भाषा के आधार पे पहला राज्य भी टूटा
तेलुगु बोलना अलग अलग आप जानते हो। आंध्र प्रदेश बना 1956 में, 53 में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। तो ऑटोनॉमी की मांग हो जाती है कई बार, और डिफरेंसेस की वजह से चीजें थोड़ी सी बिगड़ भी जाती हैं, पर अगर आपस में समन्वय बना के चला जाए तो सब कुछ अच्छे से हो सकता है। गवर्नर साहब और राष्ट्रपति जी का क्या रोल है या कैसे शासन व्यवस्था है, लेट अस सी द रोल ऑफ गवर्नर। गवर्नर बनने के लिए 35 साल उम्र, और याद रखना साउंड माइंड होना चाहिए, और राष्ट्रपति जी के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है हर राज्य के अंदर। द रोल ऑफ गवर्नर हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। मैंने आपको बताया था इनका अपॉइंटमेंट सेंटर मतलब राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। राष्ट्रपति जी का इलेक्शन आप जानते हो कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट एक चयन बनी हुई है, तो इसलिए कॉन्ट्रोवर्शियल कहा जाता है गवर्नर के रोल को। अच्छा देखो, देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जी है, और राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है, गवर्नर है। एक हर एक राज्य में एक गवर्नर होते हैं। द गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिसर, इलेक्टेड नहीं है ये, नॉमिनेटेड है। मैनी गवर्नर्स हैव बीन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, वो तो जो भी राष्ट्रपति जी अपॉइंट करें जिसको भी। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयरफॉर एक्शंस ऑफ द गवर्नर आर ऑफन व्यूज एज इंटरफेरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए ये कहा जाता है कि भाई ये जो गवर्नर के जरिए क्या कर रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के मसलों में दखल दे रही है। आपके सामने एग्जाम्पल बेस्ट है दिल्ली का एग्जाम्पल। आप जानते हो वहां के केजरीवाल जो सीएम है वो क्या कहते रहते हैं आए दिन कि हमें केंद्र काम नहीं करने दे रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी प्रावधान सिस्टम है वहां पे। तो ये भी एक चीज हो सकती है कॉन्ट्रोवर्शियल। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही भाई गवर्नर ने को बना दिया गया, वो पारदर्शिता से काम करे, वहां भी चांस है, पर चीजें फिर से वही है। When two different parties are in power at the center and the state, the role of the governor become even more controversial. अब राज्य सरकार अलग है और केंद्र सरकार अलग है, तो फिर और ज्यादा controversial बन जाता है उसका राज्य गवर्नर का और स्टेट गवर्नमेंट का रोल, मतलब बीच में कन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाते हैं। द सरकार या कमीशन दैट वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1983, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेम्बर दिस। 1988 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी सरकार या कमीशन ने। To examine the issues relating to central and state relation, recommended that appointment of governor should be strictly non-partisan, मतलब कि partition वाला ना system हो या party की dominancy ना हो, should be strictly non-partisan, ठीक है, किसी एक party के ना हो, और मतलब कि governor का जो appointment है वो सही से हो, controversial ना हो, और governor भी constitutional provisions के हिसाब से काम करे। पावर एंड रोल ऑफ द गवर्नर बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर वन मोर रीजन, एक और रीजन के कारण से इनका रोल कॉन्ट्रोवर्शियल है। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, वही राष्ट्रपति जी फोन घुमा के या प्रेसिडेंट को कहेंगे कि भाई यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो, राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं कर रही। जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल। This provision is to be applied when a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried or in accordance with the provision of this constitution. अगर राज्य सरकार संवैधानिक provisions के हिसाब से काम नहीं कर रही तो उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। At the result in the takeover of the state government by the union government, the president's proclamation has to be ratified by the parliament. President rule can be extended till 3 years तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी देखो प्रोविजंस है भाई, अगर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है तो बढ़ाया भी जा सकता है संविधान के वो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास करके या ऑर्डिनेंस पास करके। द गवर्नर हैज द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली, दिस इज लीड टू मेनी कन्फ्लिक्ट। तो गवर्नर हैव द अथॉरिटी टू डिसमिसल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और डिसॉल्व इट। गवर्नर हैव द अथॉरिटी एज द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग हिम द पावर्स और गिविंग हर द पावर्स, या उसको दे रहे हैं पावर्स। इन सम केसेस द स्टेट गवर्नमेंट वर डिसमिस्ड, किया भी गया है, ठीक है, व्हेन दे हैड अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर एंड हैड हैपेंड इन केरला इन 1959 में हुआ, विदाउट टेस्टिंग देयर मेजोरिटी गवर्नर ने कह दिया कि जाओ भाई, डिसमिसल कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव या उस तरह से चीज, बहुमत पेश नहीं करने दिया। और अदर स्टेट्स में भी 1967 में इंदिरा जी के वक्त हुआ था।
Some cases went to the Supreme Court and the court has ruled the constitutional validity of the decision to impose president rule can be examined by the judiciary. तो कुछ सरकारें को वहां भी जाती हैं, वही कोर्ट में भी जाती हैं, जब न्याय नहीं मिलता तो हमारे यहाँ न्यायपालिका ही है. मतलब अगर न्याय संवैधानिक प्रोविजंस के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आदमी कहाँ जाएगा, न्यायपालिका के पास ही जाएगा. तो न्यायपालिका के पास गई राज्य सरकार की, भाई देखो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है, तो फिर अगर संविधान उसको न्यायपालिका को लगता है कि हाँ भाई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुई है, तो वो वर्ड अपना उसको चेंज कर देवाएगी, उसको ऑर्डर देगी कि भाई इसको परिवर्तित किया जाए, ये इसमें गलत हुआ है. इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, दो राज्यों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. While the state keep fighting with the center over autonomy and the other issue like the shared independent resources, there have been many instances of dispute between the two states or among more than two states. तो केंद्र और राज्यों के बीच तो मसले बनते ही हैं, कई बार दो राज्यों के बीच में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं चीजों को लेकर. इट इज ट्रू दैट द जुडिशियरी एक्ट एज द आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म एज द डिस्प्यूट ऑफ लीगल नेचर, बट दीज डिस्प्यूट्स आर इन रियलिटी नॉट जस्ट लीगल. तो दो राज्यों के बीच के मसलों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है, और न्यायपालिका ही एक ऑप्शन है जो उसको सोल्व आउट कर सकती है. दे हैव पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस एंड देयर फॉर दे कैन बेस्ट बी रिजॉल्व ओनली थ्रू नेगोशिएशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो ये मसले देखिए न्यायपालिका में जाएंगे, चीजें लंबी खींचेंगी और कई कई साल लग जाते हैं, तो आपस में बैठ के सुलझाया जाए तो ज्यादा बढ़िया है. रिसेंटली दो राज्यों ने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट सोल्व किया है. आप मुझे दो राज्यों के नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में. तो दो मसले और जनरली राज्यों के बीच में आते हैं, एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट, दो राज्यों की सीमाओं के बीच में जो मसले हैं, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बेलगांव को लेकर, या मणिपुर नागालैंड के बीच में, या फिर वाटर डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं जैसे कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में. और भी बहुत सारे हैं प्रोविजंस, अलग अलग आपकी बुक में मेंशन है, देख लेना. स्पेशल प्रोविजंस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स गिव देयर पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस. मोस्ट ऑफ दीज स्पेशल प्रोविजन परटेन टू द नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को. आर्टिकल 371 के अंदर ए से लेकर जे तक 10 राज्यों को स्पेशल स्टेटस है या प्रावधान दिए गए उनके लिए, स्पेशल प्रोविजन है, जैसे आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ETC. 371 का ये याद रखना. लार्जली ड्यू टू देयर साइजेबल इंडिजीनियस ट्राइबल पॉपुलेशन विद अ डिस्टिंक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर, ताकि उनके ट्राइबल जो हिस्ट्री है, उनका कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, वो खत्म ना हो, इसलिए स्पेशल स्टेटस 371 के अंदर ए से लेके जे तक रहा. स्पेशल प्रोविजन ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर हिली स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश एंड सम अदर स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना, इन राज्यों के लिए भी थोड़े से स्पेशल प्रोविजन है. उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, संघवाद क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे. जो क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताना, हम आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे. बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत जरूरी है वो चीज़ भी. और देखिए स्टूडेंट्स, लर्नर्स, अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ. मेरी कोई इंटेंशन नहीं आपकी किसी भावना को हर्ट करने की. चीज़ें आपकी NCERT की बुक में लिखी हुई हैं, मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. फिर भी कोई भावना हर्ट हुई है अगर आपकी, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ. बाकी आप चीजों को लर्नर के रूप में इनटेक कीजिएगा और एक ब्रॉड सेंस में सोचिएगा. कल को आप जब, आप में से कुछ लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे या स्टेट में सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, तो प्रिपरेशन के दौरान ये चीजें बहुत फायदा देंगी आपको, बहुत ज्यादा, अगर आप ब्रॉड सेंस में चीजों को लर्न करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आप बहुत नाम कमाएं, जीवन में आगे बढ़ें और ईमानदारी से इस देश के लिए अपनी सेवाएं दें. ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद.